लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो नजर होगी वो उत्तर प्रदेश पर होगी, वहाँ के वोट बैंक पर होगी, और एक बड़ी चुनौती होगी कि उत्तर प्रदेश से वोट आखिर किस आधार पर मांगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा सहारा होगा, और जब बात बुनियादी विकास की होगी तो मेट्रो से बड़ा सहारा कुछ हो नहीं सकता। और उसी मेट्रो को लेकर दिल्ली मेट्रो का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बोटानिकल गार्डन से उपला बर्ड सेंचुरी, मेजेंटा लाइन, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी और नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हम बोटानिकल गार्डन मेट्रो पे हैं और उसके ठीक पीछे वो हिस्सा है जो मेजेंटा लाइन यानी जो थर्ड फेज की आखिरी लाइन है उसको कनेक्ट करता है। IGI टर्मिनल से लेकर के बोटानिकल गार्डन यानी नोएडा के लोगों को सीधे एयरपोर्ट का एक्सेस मिलेगा इस लाइन के जरिए। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि इस मेट्रो लाइन के उद्घाटन के मौके पर आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया। सवाल ये उठेगा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को न्योता क्यों? DMRC जो ये मेट्रो संचालित करती है ये दिल्ली से चलती है, नोएडा के लोगों के लिए एक्सेस है, नोएडा का ये हिस्सा है, इसलिए ये प्रोग्राम DMRC ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया है। DMRC के अंदर दिल्ली सरकार का 50% स्टेक है। तो अब ये मामला प्रोटोकॉल का है या नहीं, या बेसिक कर्टसी का है, या जो न्यूनतम एक सीमा होती है सम्मान सत्कार की उसका है, ये जनता तय करे। लेकिन फिलहाल आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि मेट्रो लाइन के मेजेंटा का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में खुलेगा, जहाँ से इसकी शुरुआत होगी, उस हिस्से का उद्घाटन है जिसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। और इस बीच चुकी प्रधानमंत्री का दौरा है, मुख्यमंत्री का दौरा है नोएडा, तमाम सारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आने से लगातार बचते रहे, और आज योगी यहाँ पर आएंगे। जाहिर है VIP दौरा है, तो VIP दौरे के लिए तैयारियां भी जोर शोर पर होंगी, सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, तमाम सारा जो आला जो अधिकारी हैं आसपास के इलाके के पूरा अमला यहाँ पर तैनात है। और जब समय होगा तब देखेंगे कि आखिर आज मुख्यमंत्री इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहते हैं।